हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए। नवरात्रा महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, अभी हम ले रहे हैं मिट्टी जौ लगाने के लिए। ट्राई दो मुझे इस तरफ। माता रानी की जय। फोन लाओ, आरती आज की कहानी सुने। प्रथम नवरात्र देखिए गाइस, हमारे माता रानी का मंदिर कैसे सजाया है हमने। छोटा सा मंदिर, कितनी सुंदर मेरी माता रानी लग रही है। देखिए, हो गई है हमारी पूजा। शाम का टाइम हो गया गाइस, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। कितना सुंदर पिक्चर आया। फर्स्ट नवरात्र तो अच्छे से गुजर गया और अब हो गई शाम। हम बना रहे हैं खाना। क्या क्या हम बना रहे हैं? ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। आलू की
सब्जी, आलू फ्राई, हरी मिर्च डाल के, क्योंकि इस व्रत में जो अन्न ही खाते हैं, और सामक हमारे घर पे गाइस मंजू ने और मैंने व्रत किया है नवरात्रा का, और मेरी दीदी के घर पे किया है, मेरी दीदी की बेटी ने और दीदी ने किया है। हम तो अभी खाना बना रहे हैं, चलिए देखते हैं दीदी भी लग गई क्या खाना बनाने। शाम के 5 बजने वाले हैं, और जैसा कि दीदी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम होता है मुझसे, और अभी मैं आ गई हूँ मेरी दीदी के घर पर। चलिए देखते हैं उनको क्या क्या काम कर लिया है उन्होंने। वैसे आप में से कौन कौन करता है नवरात्रा का व्रत? देखिए गाइज, ये मेरी दीदी की बेटी खाट पे बैठ के ये सब्जी काटती है। मैंने इसको कई बार बोला है कि खाट पे बैठ के सब्जी नहीं काटते है। इसने किया है व्रत, ये मीनाक्षी। जरा एक दो कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा इसको कि खाट पे बैठ के सब्जी नहीं काटते। सुन रहे है? जर बोलते, मैंने तेरे को बोला था ना सब्जी मत काटा कर खाट पे बैठ के, बोला था ना? बोला था। फिर और क्या बना रहे हो? सामक। सामक? रायता भी बनाओगे घिया का? दही। दही नहीं है, अच्छा। ओके गाइस, अभी तक इनके घर में तो कुछ बना नहीं है, मतलब कि तैयारी कर रही है गुड़िया, और मैं अभी आलू, मतलब आलू की जो सब्जी होती है सूखी सूखी सी, आलू फ्राई बोलते हैं उसको, वो भी छोक के आई हूँ। थोड़ी देर में बन जाएगी, उसके बाद हम पहले माता रानी को भोग लगा के जो कुछ भी खाने के लिए बनाया है उसके बाद हम खाएंगे। गांव का माहौल कितना अच्छा होता है ना, हर तरफ शांति शांति। ये मंजू को देखो, दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही है। देखो इसको, देख रहे हो क्या कर रही है? सामक चुग रही है। दिख रही? नहीं दिखी, दिख गई। इसे चुन लेना। कुछ नहीं है, साफ है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है। देखिए गाइस, ये होती है सामक, आपने खाई होगी। हंस क्यों रही है? क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? खाई तो होगी। सुंदर सी पिक्चर दे दे रही है। तो ये गाइस, ये सामक होती है, और इसको नवरात्रा के व्रत में या फिर किसी भी ऐसे व्रत में खाया जाता है जिसमें कि हमें अन्न नहीं खाना होता। तो इसको हम बना रहे हैं चावल के जैसे, आलू डाल के और हरी मिर्च डाल के, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है कुछ भी इसमें, और फालतू फालतू चीज़ें नहीं खाते इस व्रत में, है ना? मंजू से भूख कंट्रोल हो गई। तो देखिए गाइस, बनने वाला है हमारा खाना। तो बस अभी आलू मैं छोक के गई थी, चेक कर लेती हूँ बने हैं या नहीं। नहीं बने अभी। माता रानी को मैंने चढ़ा दिया है, अब हम भी खाने की तैयारी कर लेते हैं। एक दो केले ले लेती हूँ माता रानी के पास से। थैंक यू भैया, लो खा लो, खा लो, खा लो, खा लो।
यही पर खा लेंगे, यहाँ या फिर बैठक में, यही पर खा ले तो खा लो, नीचे हवा नहीं लगेगी, फिर बोलोगे हवा नहीं लगेगी। चलो फिर चलो। देखिए गाइस, हम बैठ चुके हैं खाना खाने। आलू की फ्राई की हुई है, सब्जी है, हरी मिर्च डाल के सामने के। आप दोस्तों को पसंद आया होगा आज का हमारा ये फर्स्ट नवरात्रा का व्लॉग, और ये हमारे बनाना दिखाए थे मैंने आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलिए।